नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर के पोस्ट ऑफिस के पास दुकान लगाने वाले फूल व्यापारियों के बाद फल और नारियल विक्रेताओं को इंदिरा तिराहे के पास शिफ्टिंग कराने के लिए काफी माथापच्ची करनी पड़ी। टाउन हॉल के सामने दुकान लगाने वाले फल व्यापारी हटने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि निगम द्वारा जिस स्थान पर विस्थापन किया जा रहा है वह उनकी ग्राहकी के हिसाब से सही नहीं है। अपनी बात पर अड़े फल व्यापारियों को समझाने निगम सहायक आयुक्त आरएस बाथम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद भी जब बात नहीं बनी तो उन्हें पुलिस का सहारा लेना पड़ा। यातायात डीएसपी सुदेश सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया कि यदि तय किए गए स्थान पर व्यापार नहीं चलता है तो व्यापारियों द्वारा बताए जाने वाले स्थान पर जगह दी जाएगी। यह अनुज्ञा लागू हो चुकी है, लेकिन इसमें छिंदवाड़ा के अनाज व्यापारियों के संशोधन सुझावों को नहीं माना गया, जिसके विरोध में सोमवार को व्यापारियों ने 2 घंटे तक नीलामी में भाग नहीं लिया। व्यापारियों ने बताया कि उन्होंने मंडी सचिव के माध्यम से कई बार अपनी बात मंडी बोर्ड तक भेजी। रविवार को भी व्यापारियों ने मंडी बोर्ड भोपाल में ई अनुज्ञा प्रभारी से भी बात की थी। उन्होंने कहा कि हमारी बातों को लेकर सचिव गंभीर नहीं है और व्यापारियों को ई अनुज्ञा में होने वाली परेशानी से उन्हें कोई सरोकार नहीं है, जिसके चलते वे उच्च विभाग तक कोई टीप भी नहीं लिख रहे हैं। अनाज व्यापारी संघ अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला ने बताया कि 1 सितंबर के बाद से मंडियों में ई अनुज्ञा और आरटीजीएस के साथ काम करना काफी मुश्किल होगा। ई अनुज्ञा और जो 1 सितंबर से केंद्र सरकार का जो नया रूल आ रहा है 1 करोड़ की निकासी पे 2% टीडीएस वाला, उसके साथ ई अनुज्ञा का सामंजस्य नहीं बन पा। अभी तक हम लोग नगद पेमेंट करते थे तो हमें व्यवहारिक समस्या नहीं आती। 1 सितंबर से हमें कंपलसरी आरटीजीएस एनएफटी करना ही पड़े और उस स्थिति में हमको यूटीआर नंबर इनको ये मांग रहे हैं, तो यूटीआर नंबर सेम डे उपलब्ध हो पाना संभव नहीं। कृषि उपज मंडी कुसमैली के प्रांगण में दर्जनों जगह गड्ढे हैं और अनाज नीलामी शेड की सीढ़ियां भी टूटी हुई हैं, जिसको लेकर व्यापारियों ने पिछले दिनों ज्ञापन भी दिया था, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। गौरतलब है कि मंडी में उद्घोषणा के लिए लगा हुआ लाउड स्पीकर भी कई दिनों से खराब चल रहा है। वहीं सीसीटीवी कैमरे की भी स्थिति ठीक नहीं है। व्यापारियों ने कहा कि प्रबंधन की लापरवाही से कभी भी गंभीर हादसे हो सकते हैं। मंडी की व्यवस्था देखना सचिव की जिम्मेदारी है, जिसे वे सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। पिछले दिनों शिक्षकों के थोकबंद तबादले किए हुए उन्हें सुधरवाने की बाढ़ आ गई। सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े के पास जिले भर से सिफारिश लेकर आने वालों की कतार लगी रही। कोई विधायक का पत्र लेकर पहुंचा तो कोई वहीं पर डीईओ के जान पहचान वाले से मोबाइल पर बात करा रहा था, लेकिन निराकरण शायद ही किसी का हो पा रहा हो। डीईओ भी लोगों को अपने स्तर पर बहाने बनाकर टरका रहे थे और कुछ को उपाय भी बता रहे थे। इसी दौरान एक दिव्यांग शिक्षिका भी अपनी बात रखने पहुंची। निराकरण तो दूर, उसे कार्रवाई का ही डर दिखा दिया गया। नाम और पहचान छुपाने की शर्त पर शिक्षिका ने बताया कि उसकी ज्वाइनिंग सामान्य कैटेगरी में हुई थी, लेकिन ट्रांसफर के फॉर्म में एक जगह पूछा गया कि क्या वह दिव्यांग है कि नहीं, तो उसने हां पर निशान लगाया। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें इस आधार पर कार्रवाई करने की बात कह दी, जिस पर वह अपनी बात रखे बिना ही कक्ष से बाहर निकल गई। नोनिया करबल पुरानी बस्ती वार्ड 45 में इन दिनों यहां के रहवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम द्वारा सीवेज पाइपलाइन डाली गई, जिसमें रोड पूरी खराब हो चुकी है। राहगीरों को आने जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। किसान भी अपना खेतिहर का सामान नहीं ले जा पा रहा है। स्कूली बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। नगर निगम और जिला प्रशासन से स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि सड़क जल्दी बनाई जाए, जिससे परेशानियों का समाधान किया जा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।